So friends, welcome once again. Now we will go for solving the problems on the chapter number 4. As because on 5th of July your exam is there on coming Sunday. And I have given you two sheets. One is your 28 June sheet. And another is extra problem sheet. So they are PDF. So first of all, this 28 June sheet is there. That is basically MCQ. That is what it is basically. MCQ, and this is just problems, not MCQs. Okay, so we will concentrate mostly on this. ऐसा नहीं बड़ा, उसमें भी आपको कर सकते हैं, तो उसमें भी important problem है, ऐसा कुछ नहीं है. But mostly we will concentrate on 28 June sheet. So I suggest you to open your 28 June sheet. And we'll try to solve the problems in the 28 June sheet. So, पहले वाला problem लेते हैं. We'll start with मेरे पास मैंने जहाँ से लिया है, उसका मैं problem read करता हूँ और आप अपना PDF में देखो और one by one we'll do that. तो problem पहले कितना है? Problem number 24. PDF. So question number 24 in your PDF. Shall I start? The problem is helium nucleus makes full rotation in a circle of radius 0.8 meter in 2.5 seconds. A helium nucleus makes full rotation in a circle of radius 0.8 meter. यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिया है, वो गलत दिया है बुक में. यहाँ आपको होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब इन हेलियम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सा रिवॉल्विंग, बराबर ना? ओके, ये सर्कल ऑफ रेडियस मतलब ये दिया है वो करेक्ट है, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा. हीलियम मींस 2He4 ना, 2He4 मतलब ये पूरा का पूरा जब एटम घूमेगा तो उसके साथ वो न्यूक्लियस भी घूमेगा, ये न्यूक्लियस और ये पूरा का पूरा आपका एटम बन गया, तो वो आपको ध्यान में रखना है. तो फटाफट में क्या क्या दिया है वो लिख के लेता हूँ. आर, आर कितना दिया है? आर दिया है 0.8 meter. बाद में क्या क्या दिया है? टी दिया है 2.5 seconds. Okay, full rotation. The value of magnetic field at the center of the circle. Very simple. It's very simple. No problem. तो पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Suppose यहाँ से electron revolve करेगा. Suppose ऐसे revolve करेगा. So करंट विल बी क्यू अपॉन टी. क्यू को लेने का 2E. क्यों? हीलियम के पास 2He4 ना, इसलिए उसको लेने का 2E और इसको लेने का टी. टी मतलब टाइम, टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन. अभी अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे भागता है तो आपका करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, बिकॉज करंट विल प्रेफर the opposite path of the electron. तो अभी मैं electron का हटा देता हूँ और current का बता. तो अभी क्या बन गया? It will, so use formula for coil. तो coil के लिए क्या होता है? At center. So what will be the formula for coil at the center? It will be B is equal to
वे नॉट आई, हाँ, और एक एक ही रोटेशन करता है, तो एक रोटेशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न लेने का नहीं है, एन टर्न वन, उसको ऐसे रिसेंबल करेंगे, ये कॉइल नहीं है एक्चुअली, ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो ठीक है, हम कॉइल जैसे ट्रीट करेंगे और निकालेंगे अपॉन टू पाई आर। इसकी जगह में अभी ये क्या करेंगे, अभी ये दिया है अपन को, इसको गिवन बोल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये बी बन जाएगा, बी कितना हो जाएगा, वी नॉट आई की जगह क्या लिखने का, टू ई अपॉन टी, टू ई अपॉन टू पाई इंटू आर इंटू टी, तो इसको वैल्यू पुट करते थे, म्यू नॉट कितना हो जाएगा बेटा, फोर पाई इंटू टेन टू माइनस सेवन, टू ई का कितना होता है 1.6 इंटू टेन टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय टू पाई इंटू आर, आर कितना बन जाएगा, आर आपका बन जाएगा 0.8 इंटू टी कितना 2.5, तो ये 2 पाई, टू फोर पाई, ये 2 बन गया, ओके, तो ये आपका आंसर, इसको अभी कैलकुलेट करो, मेरा आंसर आ रहा है 3.25 इंटू टेन टू माइनस 26, मेरा आंसर आ रहा है 3.2 पाई, अरे एक मिनट, हाँ 2 पाई आर, पाई कैसे आएगा, पाई नहीं आ सकता मेरा, हाँ अरे अपना फॉर्मूला मैंने गलत लिखा, 2 आर, 2 आर चाहिए ना, 2 पाई आर कैसे, 2 आर आएगा बराबर, तो यहाँ पे 2 कैंसिल है बराबर, ये कैंसिल हो गया बराबर, इनटू ये देखो अभी 16 2 32 25 8 जा 200 ना, दैट 2012 मींस 2 जीरोस विल गो ऑफ, 2 2 विल कैंसिल आउट, दिस 16 1.6 इनटू 2 3.2 एंड 9 प्लस 7 16 सो 26 10 रेस टू माइनस 26 ये आपका आंसर बन जाएगा। सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 225, तो अभी अपने पीडीएफ में रेडी रह जाओ प्रॉब्लम नंबर 225 लेके, तो प्रॉब्लम नंबर 225 मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम इज 225 इन पीडीएफ, ओके, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, द मैग्नेटिक फील्ड बी, द फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर वुड बी, तो एक वायर लिया है यहाँ से, एक एक मतलब ये आई करंट जा रहा है, ओके, 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी, तो वो पूछ रहे हैं कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो यहां पे बी डैश, तो इसको B1 बोलते हैं, इसको B2 बोलते हैं, और ये लिखा है 20 सेंटीमीटर, ओके, तो आपको फॉर्मूला याद है, आपको फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे लिख देता हूं, लॉन्ग बोला है ना उसको, सो लॉन्ग कंडक्टर, पहले आपको ध्यान में रखना है ये कंडक्टर कैसा है, एकदम आराम से पढ़ा रहो बेटा, कुछ जल्दबाजी में नहीं जा रहा हूं, तो इनफाइनाइट केस लेने का मतलब आपको एकदम सिंपल है, लेकिन वो आपको मालूम होना चाहिए, इनफाइनाइट केस लिया आपने, इनफाइनाइट केस लेने के बाद ये कैसे बन जाएगा दिखाता हूं आपको, अल्फा बन जाएगा 90, बीटा बन जाएगा 90, तो साइन अल्फा कितना बन जाएगा 1, साइन बीटा भी कितना बन जाएगा 1, तो अपना बी का फॉर्मूला क्या, मू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ए बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं A1 और इसको बोलते हैं A2, ओके, आई अपॉन ए इंटू साइन अल्फा 1
प्लस वन, ये 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा बराबर ना, तो ये 2 ये 2 इसको काट देगा, तो b कितना बन जाएगा mu नॉट i अपॉन 2 बाय a। मेरे को फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को, b इज इक्वल टू mu नॉट i अपॉन 2 बाय a। तो बेटा अभी देखो यहाँ पे आपका mu नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रिलेशन किसके साथ बनता है b का, तो मेरा b है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। तो हमने रेशियो प्रोपोर्शन सीखा है, उसमें मैंने बताया था इफ एनी क्वांटिटी इफ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन वी कैन राइट, रेशियो कैसे बनेगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। अरे b2 चाहिए आपको, तो b2 इन द फॉर्म ऑफ b1 और इनको उन्होंने बोल दिया है b, तो मेरा b2 कितना बन जाएगा, b2 विल बी b1 इनटू a1 अपॉन a2, इसको उल्टा करने का, b2 यहां आ जाएगा a1 ऊपर a2 नीचे, तो b2 कितना बन जाएगा b1 इनटू a1 कितना है 5/20, 5 4 20, तो मेरा लास्ट के आंसर आएगा b2 इज इक्वल टू b1/4, सो दिस इज माय आंसर। सो इसमें ऑप्शन कितना दिया है, ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका, ऑप्शन बी आएगा, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन। तो एक ही फॉर्मूला पे आपको आपने देखा है, सेम फॉर्मूला पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन का दिखा था, तो उसको कॉइल से रिलेवेंट करने का, ये अभी दिखा है आपको, ये ऐसा ऐसा आएगा एक्चुअली, यहाँ पे एक दिखा तो आपको एडिशनली, ये ऐसे जाऊंगा ना तो ये अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, तो करने का भी जरूरत नहीं है आपको, जब एमसीक्यू सॉल्व करना है उस टाइम करने का जरूरत नहीं, नो नीड टू सॉल्व। क्या करने का, ए जिसका ए ज्यादा, जिसका ए कम उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जिसका ए ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम, ए कितने प्रोपोर्शन में 5 4 20, तो 1/4 हो जाएगा, ये इसके 1/4 हो जाएगा, दैट्स ऑल फाइन। इसको नोट डाउन करो, बाद में दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं। नाउ विल गो फॉर 226। इसको कर देते हैं 226। अभी 226 में क्या दिया है, देखो बेटा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पीयर, इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 10^7 मीटर पर सेकंड इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया है, लॉन्ग स्ट्रेट मतलब ऐसे उसको निकाल के ले लो, इसमें करंट कितना दिया है, I इज इक्वल टू कितना दिया बेटा आपको, 50 एम्पीयर दिया है, करंट दिया है 50 एम्पीयर, इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 10^7 मीटर पर सेकंड इन 5 सेंटीमीटर, तो यहां से 5 सेंटीमीटर पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और कितने वेलोसिटी से, वेलोसिटी दिया है 10^7 मीटर पर सेकंड, ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इफ द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वायर, ओके, इफ द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वायर, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बन गया ऐसा, ये वेलोसिटी, तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे आप क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन ले लोगे, यहां पे आपका क्यू बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, वी तो दिया है गिवन बोलता हूं इसको, ये फाइंड करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, यहां पे मेरे को मालूम है यहाँ पे मेरा करंट ऐसे है, तो अगर मैंने राइट हैंड रूल निकाला तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन तो गोइंग इन हो जाएगा,
और वो कितना होगा? तो अभी हमने निकाला है, अभी हमने निकाला है सब स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. दो पहले फिर से लिख देता हूँ, लॉन्ग स्ट्रेट तो मतलब इसका क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट केस बन जाएगा. तो इनफाइनाइट केस बनने से क्या हुआ, साइन अल्फा साइन बीटा सब वन हो जाएगा. तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा मेरा, म्यू नॉट आई अपॉन टू ए. यहाँ पे वैल्यू डालते इसको, तो बेटा वैल्यू कितना बनेगा, म्यू नॉट फोर, अरे यार हाँ लिखने लगा अभी, 4.2×10^-7 मल्टीप्लाइड बाय आई कितना 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब 5×10^-2. तो ये जाएगा ऊपर, बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस 5, 2×2=4, ये बन जाएगा 50×100, 100 मतलब 100 पाई, 100 मतलब इससे 2 निकाल दिए, तो ये कितना बन जाएगा बी मेरा, सो पाई इंटू 10^-3, ये बन गया बी. अभी फोर्स निकालना है. अभी देखो V इस डायरेक्शन में है एंड B इज गोइंग इन, मतलब B ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल कितना बन गया 90. तो F कितना बन जाएगा, क्यू वी बी साइन 90. तो F मेरा कितना बच गया, F बच गया मेरा क्यू वी बी, यहाँ पे Q को E बोला है, तो मेरा बन जाएगा ई वी इंटू बी. तो अभी कैलकुलेट करते हैं, तो F बन जाएगा E मतलब 1.6×10^-19 मल्टीप्लाइड बाय 10^7 इंटू बी का वैल्यू कितना है पाई इंटू 10^-3, ये 22 हो गया, -22 प्लस 7 सो -15 बच गया. तो आंसर अपना कितना है, माइनस ये 15 आ रहा है ना अपना, और क्या बच गया, और क्या बच गया, ओ ये मैंने फाइव नहीं लिया ना, तो इसको एक मिनट, इसको फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बी मैंने फाइव नहीं लिया था ये. तो अभी ये कितना बन जाएगा, इसको जो अपॉन फाइव मतलब फाइव 0.32 आएगा, और ये 0.32, ये -22, ये 7 -15 हो जाएगा, मतलब मेरा F कहीं, तो F कितना हो जाएगा, तो F मेरा हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे बताऊँ आपको, अभी यहाँ पे बताता हूँ आपको मेरा F कितना हो जाएगा, वो माई एफ विल बी ये 0.32 पाई इंटू, ये इसको मैंने पूरा किया है 10^-15, अभी मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ 3.2 पाई, इसको आगे लिया मतलब एक इसका बढ़ाना पड़े, -16 न्यूटन. तो ये बन गया मेरा आंसर, देखते आंसर इज करेक्ट, करेक्ट नो प्रॉब्लम, आंसर इज करेक्ट. सो नेक्स्ट गो फॉर, ठीक है इसको पहले पूरा करके ले लो. ओके इसके बाद जाते हैं 227. कितना हो गया, 3 हो गया ना, 1, 2, 3, 4 बन जाएगा. अरे यार लिख नहीं रहा, 227 PDF 227, इसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं इसको. क्या है अपना, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पाथ ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम. पहले यहाँ पे चालू कर देते हैं, आर कितना दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5×10^-10 मीटर करने का, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगस्ट्रॉम टू मीटर आपको कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करने का, 10^-10 से मल्टीप्लाई करने का. बाद में क्या दिया है, पाथ ऑफ रेडियस, हाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया है, एफ दिया है, एफ कितना दिया है 6.8×10^15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब इसको हम लिख सकते हैं हर्ट्स अपना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड.
Okay, the magnetic field at the center of the magnetic field at the center and magnetic moment. सिंपल है एकदम. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको. तो क्या क्या पूछा है? बी एट सेंटर एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके सेंटर को सपोज ऐसे करंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो करंट ऐसे मिल रहा है तो आई मिलेगा. तो पहले आई निकाल के लेते. अगर आई मिल गया तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अपना रेगुलर फॉर्मूला है, इतना आता है वो आपको मालूम है. आई थिंक म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a. अभी पाई का यूज करना पड़ेगा आपको. हाँ पाई का यूज करना पड़ेगा. और 2 a कब आएगा? 2 a तब आएगा जब आप उसको दूसरी केस है ना, अभी तक हमने सॉल्व किया ना इसके पहले, इन दैट इट विल कम 2 a. सो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, यहाँ पे a नहीं r डालेंगे. तो अभी आप लोग आई कैसे निकालना है देखो. I is equal to Q upon T. लेकिन 1 by T का मतलब मेरा frequency होता है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? I is equal to QF. बन गया? अभी Q को क्या करेंगे? Q को बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन. तो मेरा बन जाएगा I is equal to E into F. तो ये बन गया. तो B मेरा वैल्यू कैसे बन गया? Mu naught E F upon 2 pi R. मी नॉट को बोलते हैं 4 pi × 10⁻¹. अभी आएगा आपका सर 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 6.8 × 10⁻¹⁵ डिवाइडेड बाय 2 pi. 2 pi ने 4 pi को काटा. आर विल बी 0.5 × 10⁻¹⁰. तब ये 10 ऊपर जाएगा, ये 19 के साथ मिलेगा, ये बन जाएगा 10⁻¹⁰. ए सॉरी हाँ, ये माइनस है ना, तो ये 9 बच जाएगा. 9 सो 9 + 7 = 16. ये माइनस बन जाएगा, ये +15. ये पूरा करोगे आंसर, मेरा आंसर कितना है 14 आ रहा है. 14 तो अब देखो क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है. टी मतलब टेस्ला. 14 ये बन जाएगा 6.8. करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है. 16 × 32, सो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.8 अपॉन 0.5. अब इसको 0.5 को क्या करते हैं, 1/2 कंसिडर करते हैं. तो 1/2 कंसिडर किया तो 2 ऊपर जाएगा, मतलब ये 2, ऐसा किया तो भी चलेगा. 6.4 × 6.8 कितना आता है, और ये कितना बच गया, ये 9 बच गया, ये 15, ये 6 बच गया. तो यहाँ पे कहीं तो भी आपको करना पड़ेगा. देखता हूँ एक मिनट, लेट मी चेक. म्यू नॉट 4 pi × 10⁻¹⁷, ई 1.6 × 10⁻¹⁹, 6.8 × 10⁻¹⁵. कितना दिया है आपको, लेट मी चेक इट. 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. बराबर है, बराबर है, उतना ही दिया है तो बराबर है. ये 2 pi × r 0.5. आई थिंक उन्होंने ये 10⁻¹⁰ नहीं लिया है. ये बराबर है, ये 9 + 7 = 16 हो गया, ये 15. खाली ये इसका मेरे को डाउट है, ये 6.4 ये कितना आता है, 68 × 64. ठीक है, मैं इसको देखता हूँ. मेरा निकाला था, आंसर आ गया था किधर, तो ये हो गया 14 टेस्ला का. हम देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ. ओके, कहीं तो मैंने ये गलत लिया होगा. अभी क्या करते हैं, अभी अपने को और भी एक निकालना है, M निकालना है. तो M कैसे आएगा, तो सपोज मेरा करंट इस डायरेक्शन में, उसका आंसर मैं देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट. ये सपोज इसका एरिया है, इसको बोलता हूँ एरिया. एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर. तो ये अगर करंट ऐसे जाता है तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे जाएगा. तो एम इज इक्वल टू एन आई ए, यहाँ पे एन को वन लेने का रिवॉल्यूशन. ओके, एक सेकंड में इतना रिवॉल्यूशन करता है, बराबर.
तो उसका कुछ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ टर्न आपको लेने का है, तो एम आएगा आपका ये वन, ये ई एफ इंटू ये पाई आर स्क्वेयर, इसका वैल्यू को करो 1.6 इंटू 10^-19, 6.8 इंटू 10^15 इंटू पाई को 3.14 ले लो, और आर स्क्वेयर को 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10^-10 का स्क्वेयर मतलब -20, इसको पूरा करो, इसका आंसर मेरा आ रहा है 9 इंटू 10^-24, देखता हूँ मैं, 9 इंटू 10^-24 ये ऑप्शन आ रहे हैं, इसका आंसर आएगा आपका सॉरी 9 इंटू 10^-24। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, यू मे नोट डाउन दैट, विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा फटाफट लेते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ऐसा भी कुछ नहीं, ये सब लेक्चर्स हो जाने के बाद भी ये लेक्चर देखा तो भी आपके लिए बेहतर होगा, नो प्रॉब्लम। आज मैंने थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन वगैरह घूमता है उसके प्रॉब्लम है वो लिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है। वेट फॉर अ वाइल। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 228 और 229, मतलब अपना क्वेश्चन नंबर 5, 229 पीडीएफ। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड कैरिंग करंट 1 एम्पीयर इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 ओरस्टेड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। इट्स वेरी सिंपल, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू एल क्रॉस बी, मतलब वो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, आई एल इंटू बी साइन थीटा। थीटा कितना दिया है? 45। आई कितना दिया है? 1 एम्पियर। एल दिया है 1 मीटर, ओके, और बी दिया है 1 ओस्टर्न, तो ये बन जाएगा 1 × 10^-4 टेस्ला, गॉस नहीं टेस्ला हो जाएगा। तो ये सब 1 1 है, और साइन 45 कितना आएगा? 1/√2, तो ये कितना बन जाएगा? एफ विल बी बी आई एल साइन 91, तो पी कितना? 10^-4 × 1 × 1 √2, तो मेरा आंसर बन गया 10^-4 √2। ये मैंने डाउट सेशन में लिया था, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डाउट सेशन वॉज वेरी हाई, वेरी लार्ज, 6 स्टूडेंट्स वेर देयर, कैन यू बिलीव, 6 स्टूडेंट्स वेर देयर आउट ऑफ 50-60 स्टूडेंट, आउट 50-60 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स वेर देयर, सो दैट्स व्हाई अनफॉर्चुनेटली दैट वाज देयर। सो आई थॉट आपको अगर जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को तो जरूरत है आपको एक्सप्लेन करने की, टाइम मेरे पास बहुत है ना, इसलिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सोचा ठीक है, उन लोगों ने पूछा होगा सवाल तो ये मैं मेरे डाउट सेशन में लेता हूँ, ओके, इसको नोट डाउन करो। 229 हो गया, विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। टू थर्टी हो जाएगा अभी, ओके, 230 क्या है आपका? और मैं क्या करूंगा बेटा, और 2 क्वेश्चन लेता हूँ उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। 230 क्या है? हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसको वीएमपी करो, हर एक एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी डाउट में पूछा था। कैसे दिया है? देखो ऐसे एक आपको कॉइल दिया है, एक्चुअली ये जितना दिया है ना, एक कैसे भी देते हैं ऐसा कुछ नहीं, आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको आई बोले हैं और इसको आर बोले हैं, और क्या बोले दो, इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट इनटू शेप एज शोन इन द फिगर, इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज आर मीटर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज, कुछ नहीं वेरी सिंपल है, आपको इसका 2 करना पड़ेगा, ओके, एक करो बी वन, दूसरा
उसको बोलो ड्यू टू, इसको ठीक से लिख के लो, आराम से लिख के दे रहा हूँ मैं, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट पार्ट, एंड बी टू को बोलो ड्यू टू सर्क्युलर पार्ट। सर्क्युलर के लिए कौन सा यूज करोगे, सर्क्युलर के लिए कौन सा यूज करोगे? ये ऐसा हो गया, मतलब इसका बी अंदर जाएगा तो ये बी टू बन जाएगा, ये आई बन गया सर्कुलर के लिए। मे नॉट आई अपॉन कितना आएगा, मे नॉट अपॉन टू आर हो जाएगा, इसका आर है ना ये आर। और फॉर स्ट्रेट के लिए क्या बन जाएगा, स्ट्रेट के लिए ऐसे आएगा, ऐसे इसको कंसिडर करो, और इनफाइनाइट कंसिडर करो, लॉन्ग बोले ना उसको, लॉन्ग मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा ऐसा ऐसा, लॉन्ग हो गया साइन अल्फा साइन बीटा दोनों भी वन वन, वन प्लस वन टू आ जाएगा। आपको मालूम है अभी टू ने इधर फोर पाए अपॉन मी नॉट अपॉन फोर पाए टू को काटा तो आएगा ऐसे जा रहे हैं, मतलब नीचे गोइंग इन आएगा ऊपर कमिंग आउट, ये बी वन आएगा। तो बी वन कितना आएगा, बी ये कितना बन गया बी टू, ये बन गया बी टू। बी वन कितना बन जाएगा आपका, बी वन बन जाएगा मे नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ओके यहां से देखो मे नॉट आई टू, मे नॉट आई टू कॉन्स्टेंट है और दोनों भी फील्ड, दोनों भी फील्ड एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, मतलब एक का फील्ड है एट द सेंटर पूछा है ना, पूछा क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बराबर है, तो इसके वजह से आएगा वो कमिंग आउट आएगा और इसके वजह से आएगा वो गोइंग इन आएगा। तो अब ये जो है इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा बड़ा वाला है वो देखेंगे, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा वाला कौन सा है जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। अब इसमें पाई ज्यादा है, इसमें मे नॉट आई अपॉन टू, मे नॉट आई अपॉन टू, इसमें पाई ज्यादा है मतलब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, तो बी नेट, यहाँ ही स्टूडेंट गलती करते हैं, तो बी नेट करने का इसका डिनोमिनेटर बड़ा ये छोटा ये बड़ा, तो बी टू माइनस बी वन ही करने का, बी टू माइनस बी वन बन गया। तो बी टू कहाँ पे है, B2 अंदर है, B1 बाहर है, तो B2 कितना है आपका V not I upon 2R minus V not I upon 2 pi R, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय पाई, मतलब कितना हो गया, इधर से V not I upon 2 pi R निकाल देता हूँ, V not I upon 2 pi R को बाहर किया पाई माइनस वन बच गया, तो ये बन गया मेरा B net। उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे आएगा, जैसे डायरेक्शन B2 का उतना डायरेक्शन तो गोइंग इन आएगा। ओके यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन में भी दिया है, आपका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन आई थिंक ए आ रहा है आपका ऑप्शन, तो वो देखो आप, ये इसको ये करो, हो गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पास नोट डाउन करके रखो। नाउ विल गो फॉर द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, दैट इज योर 231, रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल सॉल्व टुमारो, टुमारो मे बी आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मींस मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक राइट नाउ चैप्टर नंबर फोर। तो अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, ये 231 PDF, इसमें क्या दिया बेटे देखो, आपको दिया है टू आइडेंटिकल कॉइल्स कैरिंग इक्वल करंट्स हैव अ कॉमन सेंटर एंड देयर प्लेन्स आर राइट एंगल टू ईच अदर। ओके व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड ड्यू टू द कॉइल अलोन एट द सेंटर, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल। एक को ऐसे कॉइल पकड़ लो और दूसरे को ऐसे कॉइल पकड़ लो, सपोज इसमें करंट जा रहा है अभी ये इधर देखो इसको, तो मतलब सपोज इसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो यहाँ पे सपोज इसका ये एक्सिस है कॉइल का और इसका ये एक्सिस है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बेटा,
एक मिनट, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉइल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं वन बोलता हूँ, इसको टू बोलता हूँ, तो वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जाएगा, इसको बोलता हूँ बी वन, और अपना टू जो है, टू कौन सा भी ले लो, नीचे है ऊपर कैसे भी ले लो, ऐसे लेता हूँ मैं, तो ऊपर दिखेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, ये बन जाएगा बी टू। लेकिन कॉइल्स कैसे हैं, कॉइल्स आर आइडेंटिकल, अगर मेरे कॉइल आइडेंटिकल है, करंट सेम, कॉइल्स आर आइडेंटिकल, करंट भी सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बी वन इज इक्वल टू बी टू इज इक्वल टू बी, दोनों का भी सेम हो जाएगा, तो बी नेट कितना आएगा, बी नेट विद इज इक्वल टू रूट ऑफ बी वन स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर प्लस टू बी वन बी टू कॉस 90 क्यों 90 डिग्री, तो ये सब बन जाएगा जीरो, कॉस 90 जीरो आता है, तो ये पूरा बन जाएगा जीरो, और मेरा बन जाएगा ये बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ टू बी स्क्वेयर, मतलब रूट टू बी, तो बी नेट अपॉन बी कितना रेशो आया, रूट टू अपॉन वन। तो अभी अपन को क्या पूछा है, नेट का पूछा है ना, क्या पूछा उन्होंने, हाँ ऑप्शन में ही है, ऑप्शन में रेशियो ही पूछा है आपको। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर योर मेजर टेस्ट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आपका जो जो भी कुछ डाउट है वो कल अपना फिर से लाइव सेशन होगा, डाउट सेशन, उसमें भी आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, अगर इससे ज़्यादा अगर और भी कोई आपको डाउट है तो जस्ट गिव मी द पिक ऑन द व्हाट्सएप, आई विल सॉल्व इट ऑन द पेपर एंड आई विल शो इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन सेम व्हाट्सएप। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्रैक्टिस सेशन, विश यू बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम, हैप्पी लर्निंग।